हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है गाइस, हम सब भी फिलहाल ठीक है, आप सबकी दुआएं। तो गाइस, कल रात को अपने गए थे वेराखड़ी मामा के घर पे, तो वापस आए घर पे जब मैं, तो एक्टिवा लेके मैं और मम्मी वापस आए थे। तो एक्टिवा में मैं अपना चार्जिंग भूल गया हूँ कि अपने पास एक ही चार्जिंग है और सी टाइप है, यहाँ पर किसी का है नहीं ऐसा, तो पता ही नहीं चला कि अंदर चार्जिंग है। जब मैं चार्ज लगाने के लिए गया तो चार्जिंग ही नहीं था, फिर मुझे याद आया कि अपने चार्जिंग वहाँ पे भूल गए, तो वहाँ पर जाते भी लेने के लिए। और दूसरे कुछ काम है, वो भी काम अपने हो जाएंगे। हमें मैं अलगुड़ जाके हाँ चार्जिंग भूल गया तो लेने के लिए बाइक लेके जाता है। अपने बाइक के घर से पहले चार्जिंग ले आते हैं। सेकंड काम अपना ये है कि अपने को मिसवाक लेने का है, और लास्ट वाला जो काम है अपना वो जेरोक्स कराने की इंडियन आर्मी के फॉर्म की। तीनों की तीनों चीजें ले लिए, चार्जिंग, मिसवाक और जेरोक्स। खुल जा सेम सेम। अभी गाइस अपने घर पे आ गए और नहा धो के एकदम फ्रेश भी हो गए। आज जुम्मा है तो जुम्मा पढ़ने के लिए मोमान के घर पे जाने वाले, पर मोमान है नहीं है तो सीधे वहाँ से चले जाएंगे। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे लगा कि आपको बता ही दूँ। तो गाइस, वो बात ये थी कि अपनी अब वीडियो 9 बजे नहीं आएगी, शाम के 6 बजे आएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी की भर्ती आ रही है नजदीक, तो रात को वीडियो एडिटिंग करते फिर अपलोड करना था, रात को लेट से सोना पड़ता है। इसी वजह से मतलब अपनी वीडियो हर रोज अब 6 बजे आएगी, कहाँ तक, जहाँ तक इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं खत्म होती वहाँ तक। ठीक है, अपनी लाइफ में जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी गाइस 6 बज गया और अपना वीडियो आ गया है, जल्दी से देख लो, लाइक कर लो, कमेंट करना और शेयर कर लो। पूरा दोपहर अपनों ने वीडियो एडिटिंग किया है, इसीलिए अपने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो फिलहाल अभी अपने जाने का है रनिंग के लिए, तो शकील आज आने वाला नहीं, उसने मुझे पहले ही कॉल कर दिया था कि मैं नहीं आने वाला फिलहाल, तो आज मेरे साथ आएगा सिर्फ शकलन। शकलन और मैं रनिंग करने के लिए जाएगी। मुझे लगता है शकलन तो यही होगा, वॉलीबॉल खेल रहा होगा वहाँ पर, ये केसरी टी शर्ट वाला शकलन। तो भाई शकलन अपना आ गया है, तो अब यहाँ से जाएंगे रनिंग करने के लिए, हाईवे तक जाते, देखते हैं हाईवे तक जाते हैं कि नहीं जाते, फिर वहाँ से अपने जाएंगे भट्टे में एक्सरसाइज करके फिर शाम को वापस घर पे। फिलहाल गाइस अपनी रनिंग हो गई है खत्म, और तन्नू भी आया, अंधेरा काफी ज्यादा हो गया, अपना वर्कआउट हो गया है खत्म, तो जाएंगे घर अब। गाइस अपना खाना भी हो गया है खत्म। जब भी हम भट्टे में से घर आते हैं तो 8 बज ही जाते हैं, फिर खाने का टाइम हो जाता है और लास्ट में मैं ही खाने बैठा हूँ। कुछ टाइम मम्मी अपने साथ होती है, आज मैं अकेला खाने बैठा हूँ, तो खाना भी हो गया अपना पूरा। तो गाइस अभी 9 बज गया है और अपने वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अपने पूरा दिन वीडियो एडिटिंग की ही नहीं, पूरे दोपहर को अपने कल वाले ब्लॉग की वीडियो एडिटिंग करी और आज शाम 6 बजे अपने वीडियो अपलोड किया है। अभी गाइस 10 बज गया और अपना सोने का टाइम हो गया, 10:30 तक अपना वीडियो एडिट हो जाएगा और अपलोड कर देंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। मैंने सुबह को आपको बोला था कि अपना वीडियो 6 बजे का, जहां तक इंडियन आर्मी की अपनी भर्ती खत्म नहीं होती वहां तक, पर ये अब सुनने में आया कि इंडियन आर्मी की भर्ती जो थी 5 से लेके 22 तक वो कैंसिल रखी गई है, ऐसा सुनने में आया। 90% चांस है उसके खत्म होने के, तो नहीं ली जाएगी ऐसा सुनने में आया, तो देखते हैं क्या होता है। इसीलिए अपना रोज वीडियो हर रोज 9 बजे आ जाएगा, सुबह को जो आता है वही टाइम पे आएगा वीडियो अपना। आज सुबह को ही मैंने बोला कि अपना जो वीडियो था इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए, ऐसा कुछ टाइम अपने को मिलता नहीं है वीडियो एडिट करने में, वो सब करने में, इसीलिए शाम के 6 बजे अपना व्लॉग आएगा। गाइस मैंने आपको सुबह को ही बोला था कि अपनी इंडियन आर्मी की भर्ती की चल रही है तैयारी, तो इसीलिए अपने को टाइम इतना ज्यादा मिलता नहीं एडिटिंग में वो सब, तो इसीलिए अपना हर रोज वीडियो शाम को 6 बजे आएगा, पर ऐसा अब होने वाला नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी की भर्ती रखने वाली है मौकूफ, तो इसीलिए अपना हर रोज वीडियो जो 9 बजे आ जाता है वही टाइम पर अपना व्लॉग आ जाएगा सुबह को। और एकदम से भर्ती ये कैंसिल हो गई तो सभी बंदे हैरान हो गए हैं। अब आगे क्या होता है अपने देखते हैं, जैसे जैसे होगा वैसे मैं आपको बताता रहूंगा, जो भी अपने लाइफ में होता है वही मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं और दिखाता हूं। व्लॉग में सबसे ज्यादा महत्व का और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो व्लॉग एडिट करना होता है। पूरा दिन अपने व्लॉग सुबह से लेके रात के 10 बजे तक जहां तक अपने से वहां तक वीडियो अपने ने शूट किया है, पर उसको एडिट करना होता है। एडिट में अपने 1 घंटे से लेके मैं मेरा वीडियो एडिट करना हो ना 7 मिनट का बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, 7-8 ऐसा, तो इसीलिए 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है। पर जिस दिन ज्यादा व्लॉग आ जाए मतलब ज्यादा शूट हो गया तो उस दिन 12-13 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो बहुत टाइम जाता है। पहले तो अपने व्लॉग 2-3 मिनट के ही आते थे, पर जैसे जैसे अपना इंटरेस्ट आया, वैसे गाइस अपना ये व्लॉग शूट करने का क्यों मैंने शूट किया, क्योंकि अपने जो डेली करते हैं वो अपने को एक पिछली जिंदगी में मतलब आज से 50 साल बाद जब मैं अपनी वीडियो देखूंगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं ऐसी वीडियो शूट करता था, ये दिन में मेरे घर में ये हुआ था, ये दिन में मेरे घर में वो हुआ था। 50 साल बाद अपनों को पता ही नहीं कि अपने कैसे दिखने वाले, क्या होने वाले अपने साथ, तो जो भी अपनों ने शूट किया है वो यादगिरी अपने के रहेगी कि मैंने ये किया था, वो किया था, अपने दोस्त ये थे, कौन रहा कौन नहीं रहा,
ये हुआ था वो हुआ था, इसीलिए अपने ने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। और डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने का यही अपना फायदा है कि अपने रोज ये करते थे वो करते थे, इसीलिए अपने ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। पहले मैं व्लॉग मतलब व्लॉग नहीं पर पहले मैं वीडियो शूट करता था, पर मुझे पता नहीं कि व्लॉगिंग इसे बोलते हैं, ऐसे वीडियो शूट करने का, ऐसे अपलोड करने का, ऐसा मुझे कुछ पता ही नहीं था। पर मैं जब यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो ऐसे मैंने कई वीडियो देखी कि ये इंटरेस्टिंग वाली वीडियो है, तो कुछ अपने को पता चला उसमें से, और फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। और आज अपने को व्लॉगिंग स्टार्ट किए 3 महीने तो हो ही गई है। और अपने व्लॉगिंग चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने फिटनेस के लिए जो भी होती है मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझको आता है मैं आपको अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई सभी घर में मम्मी आ गए और अपना सो भी आ गया, तो आज अपने नीचे सोने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा पेन होता है, कमर ऐसे एकदम से टाइट हो जाती है सुबह को उठते तब, तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि चाबी पर सो जाओ, मैं और सुबह बात सोएगा। सुबह अच्छी तरह से ठीक हो गया अपना, बारिश की वजह से पूरे घर में कपड़े ही कपड़े, जैसे अपना घर धोबी घर हो गया वैसे ही दिख रहा है। और वहां पर चारपाई दोनों के दोनों तो लेके यहाँ पर बिछा देके बिछा भी दिया मैंने, यहाँ पर कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ये चारपाई में अपने सोए तो ऐसा अपनी बॉडी हो जाती है, और नीचे सोए तो ऐसे एकदम फ्लैट रहती है, तो इसी वजह से सुबह को एकदम कमर एकदम अकड़ा जाती है। तो आज चारपाई पे सोते हैं, यहाँ पर मैं सोऊंगा और सोएब फिलहाल वहां पर है, तो उसको उठा के बोलता है कि सोता है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को करते एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में। कुछ इस तरह से बोलते हैं अपने तो अपने स्टाइल में बोलते हैं गाइस। तो ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में, ठीक है गाइस। तो आज का अपना सफर यहीं तक का था, मिलते हैं कल। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल अपना व्लॉग 9 बजे आ जाएगा, सुबह को मैंने बोला था 6 बजे आएगा पर नहीं, 6 बजे नहीं, अब सुबह के 9 बजे आ जाएगा, ठीक है गाइस। मिल जाएगा कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वीडियो स्टॉप नहीं है, बाय।